हेलो एवरीवन आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एन सी आर ट माइंड तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थ्री ई वी एस अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर थ्री वाटर ओ वाटर तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप भी अपना वर्क बुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन जो बेस्ट ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करना है ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर्ड इन अब देखिए जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो किस में स्टोर किया जाता है तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है उसमें एक में आपको टिक लगाना है जो सही है एन अर्थर्न कंटेनर ए स्टील कंटेनर ए क्लीन कवर्ड कंटेनर एनी कंटेनर तो किस में स्टोर किया जाता है ए क्लीन कवर्ड कंटेनर में तो इसमें टिक लगा देंगे ठीक है उसके बाद है कि वाटर काउज ग्रेट मिस फॉर्च्यून इफ देयर आर देखिए जो वाटर है वो एक कारण होता है यानी जो होता है दुर्भाग्य होता है किसका होता है कब होता है तो देखिए वाटर फॉल्स वाटर फिल्ड्स मोर वाटर इन लेक्स फ्लड्स तो कब होता है जो यानी जो वाटर होता है ये कारण होता है दुर्भाग्य होता है जो तो फ्लड हो फ्लड का ठीक है जब फ्लड आता है जब बाढ़ आता है तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है ठीक है तो इसमें हम टिक लगाएंगे उसके बाद है कि वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फूड अब वाटर जो है ना वो रिक्वायर्ड नहीं होता है ठीक है किसके लिए मेकिंग टी रनिंग फैंस उसके बाद है नीडिंग डो उसके बाद प्लांट टू ग्रो अब किसके लिए यूज़ नहीं होता है तो हम क्या लिखेंगे इसमें टिक लगाएंगे? रनिंग फ़ैंस फैंस जब जो है फ़ैन जब चलाया जाता है तो उसके लिए कोई यूज़ नहीं होता है वाटर का तो इसमें हम टिक लगाएंगे ठीक है उसके बाद देखिए फिर है कि विच एक्टिविटी नीड्स द लिस्ट वाटर अब देखिए किस एक्टिविटी में बहुत कम पानी का जरूरत होता है तो मेकिंग ए कप ऑफ टी टेकिंग अ बाथ टू वॉश अ कार वाटरिंग द फील्ड्स किस चीज़ में होता है बहुत कम वाटर का यूज़ तो मेकिंग ए कप ऑफ टी ठीक है अब इसमें हम टिक लगाएंगे उसके बाद है दैस इज़ ए प्लेस वेयर यू कैन गेट द मोस्ट वाटर अब देखिए किस जगह में आपको सबसे ज़्यादा पानी मिलता है ए स्ट्रीम ए पॉन्ड ए टैंक द सी कहाँ पे मिलता है बहुत ज़्यादा पानी होता है जहाँ तो द सी इसमें टिक लगाएंगे ठीक है उसके बाद है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ़ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स आपको ट्रू के लिए टी का यूज़ करना है फॉल्स के लिए एफ़ का यूज़ करना है वी कैन नॉट लीव विदाउट वाटर तो हम लोग पानी के बिना नहीं जी सकते नहीं रह सकते तो so, क्या ये सही है या गलत है तो so, ट्रू है सही है तो so, इसलिए हम यहाँ पे टी लिखेंगे बकेट सुड नाट बी यूज टू स्टोर वॉटर तो क्या होगा ये फॉल्स होगा ठीक है वेरी लेस रेन काउजेस फ्लड्स फॉल्स वाटर इन नेचर इज़ फाउंड इन थ्री फॉर्म सॉलिड लिक्विड एंड गैस क्या होगा ट्रू वी कैन नोट क्वींस आवर थर्सड बाई जस्ट ड्रिंकिंग वाटर क्या लिखेंगे इसमें फॉल्स ठीक है तो इस तरह से आपको सारे को आपको ट्रू फॉल्स में एफ और टी लिख के इसे फिल करना है उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स अब देखिए इसमें जो बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है उसे आपको भरना है ठीक है जो सही है वो डैश एंड डैश आर सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर तो क्या क्या है सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर तो स्नो एंड आइस ये दोनों जो है ना ये सॉलिड फॉर्म हुआ वाटर का द स्वान इज एन एनिमल विच लिव्स इन वाटर स्वान एक एनिमल है जो कि वाटर में रहता है वी कैन गेट वाटर इन आवर हाउस बाय ओपनिंग द टेप ठीक है इसके बाद देखिए फॉर रनिंग अ रेस वी Do not need water. Fish are animals which live only in water. तो इस तरह से आप इसे फिल कर लेंगे उसके बाद है एंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस आपको वन वर्ड में या वन सेंटेंस में आंसर देना है नेम टू डेली एक्टिविटीज विच डू नॉट नीड वाटर आपको दो एक्टिविटीज़ का नाम बताना है जिसमें कि वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है तो कौन कौन सा एक्टिविटी हुआ तो देखिए साइकिलिंग ठीक है उसके बाद वॉचिंग टी इसमें कोई ज़रूरत नहीं होता है ठीक है उसके बाद देखिए नेम थ्री डेली एक्टिविटीज़ विच नॉट बी डन विदाउट वाटर अब देखिए आपको थ्री एक्टिविटीज़ का नाम बताना है डेली एक्टिविटीज़ का जिसमें कि पानी का ज़रूरत पड़ता है ठीक है हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते तो उसके बारे में बताना है तो कुकिंग कुकिंग में भी ज़रूरत होता है बाथिंग एंड ड्रिंकिंग तो ये डेली का है एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं और इसमें पानी का ज़रूरत पड़ता है ठीक है उसके बाद है नेम थ्री एनिमल्स विच कैन लिव इन बोथ वाटर एंड ऑन लैंड अब देखिए आपको जो है ना एनिमल का नाम बताना है थ्री एनिमल्स का जो कि वाटर एंड लैंड दोनों में ही रहते हैं तो फ्रॉग स्नैक और टोर्टवाइज ठीक है नेम टू सोर्सेस ऑफ वाटर एक्सेप्ट द टेप फ्रॉम वेयर वी कैन गेट वाटर फॉर आवर डेली यूज़ ठीक है अब आपको सोर्सेज बताना है टू सोर्सेस का नाम बताना है ठीक है जिसमें कि हम लोग जो है ना वाटर डेली यूज़ के लिए वाटर ला सकते हैं ठीक है अब देखिए क्या होगा पॉन्ड एंड लेक नेम टू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच कैन बी यूज टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन वाटर अब देखिए आपको ना ट्रांसपोर्ट का नाम बताना है Uh, जिसमें कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जैसे वाटर में तो वाटर में हम किसके थ्रू जाते हैं तो देखिए सिप में जाते हैं स्टीमर में जाते हैं अब यहाँ पे आपको मेज द नेम इन कॉलम वन विद द एक्टिविटी रिलेटेड टू इट इन कॉलम टू बाय ड्राॅइंग एरोज अब देखिए कॉलम वन और एंड कॉलम टू है ठीक है अब इसमें आपको एक ड्रॉइंग एरो के द्वारा आपको बताना है जैसे कि है ग्लास टम्बलर तो क्या हो जाएगा ग्लास टम्बलर तो इसमें हो जाएगा ड्रिंकिंग वाटर इन इट इसमें क्या करते हैं हम लोग पानी डालते हैं बाकेट तो स्टोरिंग वाटर क्या करते हैं इसमें वाटर स्टोर करते हैं बॉटल में तो बॉटल में हम लोग क्या करते हैं कूलिंग वाटर इन द रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर में वाटर को कूल करते हैं इसके बाद है हैंड पम्प तो हैंडपम्प से क्या करते हैं गेटिंग वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड हम लोग अंडर ग्राउंड वाटर जो है ना बाहर निकालते हैं तो इस तरह से ये सारा जो है बना लेना है उसके बाद है आइडेंटिफाई विच ऑफ द गिवन कंटेनर्स यू विल यूज़ फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ अब देखिए आपको यहाँ पर ना कंटेनर का आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सारे के लिए हम लोग कौन इस एक्टिविटी के लिए हम लोग कौन सा कंटेनर का यूज़ करते हैं ठीक है ऑन ए हॉट डे स्टोरिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग देखिए बहुत जब गर्मी पड़ती है तो उस समय हम लोग किस चीज़ में वाटर स्टोर करते हैं जो पानी पीने के लिए किस चीज़ में स्टोर करते हैं तो अर्थर्न पॉट जो मिट्टी का जो पॉट होता है ना उसमें स्टोर करके रखते हैं ठीक है मटका में उसके बाद है सर्विंग वाटर ऑन द डाइनिंग टेबल डाइनिंग टेबल में जो वाटर सर्व करते हैं तो किस में करते हैं ग्लास में उसके बाद है स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर फॉर सम डेज़ अब सम डेज कुछ दिनों के लिए वाटर स्टोर करते हैं पीने के लिए तो किस में करते हैं बॉटल में ठीक है उसके बाद है स्टोरिंग वाटर फॉर बाथिंग बाथिंग के लिए स्टोर करते हैं तो बकेट में ड्रिंकिंग टी तो कप में इसके बाद है सर्विंग मैंगो पन्ना अब मैंगो पन्ना के लिए जग में स्टोरिंग कुकिंग ऑयल कुकिंग ऑयल के लिए कैन में ठीक है तो इस तरह से आपको लिखना है उसके बाद है मैच द पिक्चर्स ऑफ कंटेनर्स विद देयर नेम्स इन द सेंटर बाय ड्राइंग लाइंस ठीक है अब यहाँ पे देखिए पिक्चर में आपको जो है ना जो भी कंटेनर है उसमें आपको मैच करना है तो यहाँ जैसे कि पिक्चर वन में है बकेट है तो यहाँ पे बकेट में आप जो है मैच करेंगे कि क्या है ये बकेट है तो बकेट से मैच कर देंगे यहाँ पे ठीक है उसके बाद पिक्चर टू में है ग्लास टम्बलर तो ग्लास टम्बलर से आप मैच करेंगे ठीक है उसके बाद पिक्चर थ्री में है पिक्चर थ्री में आपका है स्टील टम्बलर ठीक है इसे हम स्टील टम्बलर से मैच करेंगे उसके बाद ये है आपका पिक्चर फाइव में है कैन कैन के साथ मैच करेंगे ठीक है उसके बाद देखिए फिर है पिक्चर फ़ोर में है पिक्चर फ़ोर में है आपका बॉटल ठीक है तो बॉटल के साथ में मैच कर देते हैं जो भी है आपको उसके साथ में मैच करना है अच्छी तरह से ठीक है उसके बाद देखिए उसके बाद है इसमें कप ये वाला जो है ना पिक्चर एट में है कप तो कब के साथ में मैच कर देंगे इसे ठीक है इस तरह से मैच करेंगे उसके बाद है पिक्चर सिक्स में, में है ये वाला पिक्चर सेवन में है ये पिक्चर ठीक है इसके साथ में मैच करेंगे पिक्चर सेवन में और पिक्चर सिक्स में है जग ठीक है इसे इसके साथ में मैच करेंगे तो इस तरह से ये साड़ी को आप अच्छे तरह से मैच कर लेंगे ठीक है उसके बाद देखिए फिर ए थिंक फाइंड एंड राइट आपको सोचना है पता करना है उसके बाद लिखना है फाइंड आउट एंड राइट थ्री मेथड्स ऑफ सेविंग वाटर इन योर डेली एक्टिविटीज़ ठीक है अब यहाँ पे देखिए आप जो वाटर सेव करते हैं तो डेली एक्टिविटीज़ के लिए ठीक है तो किस तरह से सेव करते हैं आपको थ्री मेथड बताना है ठीक है तो ये आप सोचिए कि किस तरह से स्टोर करेंगे आप डेली जैसे वाटर आप सेव करते हैं डेली एक्टिविटीज़ के लिए तो इसका आपको मेथड लिखना है तो ये आप कर लेंगे तो ये आपका चैप्टर जो है ना कंप्लीट हो चुका है तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल एन सी आर टी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एन सी आर टी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक्स टू तो वॉच माई वीडियो